का न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ सुविता शर्मा। आज हम आपको उस एईएन के वाल्मीकि का बयान सुनाएंगे जिसको यानी बाड़ी के गिरिराज सिंह मलिंगा ने मारा था। यह वीडियो इसलिए समय वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस एमएलए एमपी की वजह से वहां का पुलिस प्रशासन काफी डरा हुआ है और इस समय यानी इन विधायकों के पीछे काफी मामलों पर रेप का मामला, हत्या के मामले की साजिश को लेकर काफी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। संज्ञान का मतलब यह है कि जनता यह चाहती है कि उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। पर आपको बता दें कि इस गिरिराज सिंह मलिंगा ने किस तरीके से उसकी जाति सूचक शब्द को लेकर निशाना बनाते हुए उसके साथ अभद्र तरीके की बातों का इस्तेमाल किया और यही नहीं उसके मुंह पर पैर रखा। तो चलिए पहले आपको वीडियो सुना देते हैं उस वाल्मीकि का किस तरीके से मलिंगा के खिलाफ उन्होंने यह वीडियो बताया है। देखिए अपनी खास रिपोर्ट। सर मैं गिरिराज सिंह मलिंगा के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। 10 मिनट तक मुझे मारा है उन्होंने, उसके बाद में जब मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया तो छोड़ के चले गए। मुझे होश आया, मैं चिल्ला रहा था मुझे कोई निकाल लो, कोई बचा लो मुझे, मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे थे। तो वो मेरी आवाज़ सुन के वापस आया कि फिर जाते सूचक शब्द कहने लगे कि इस बंगी के बहुत चर्बी चढ़ी हुई है, इसने सुअर खाया हुआ है, इसको और मारो। तो उस समय उसके साथ में गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ में एक आदमी था, समीर खान नाम है उसका, जो अपने आपको पार्षद बताता वार्ड नंबर 2 का बाड़ी का, वो भी अंदर आया था, उसने भी देखी है सारी चीजें। और फिर और लोग आ गए अंदर क्रिकेट बैट्स से, फिर मुझे क्रिकेट बैट्स का आड़ा करके मुझे मारा, मेरे टीमर पे मारा, मेरे सर पे वार कर रहे थे, मैंने मेरे हाथों से बचाया तो वरना मेरी जान चली जाती। कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने देख रेख के नहरा दिए थे और पूरा ऑफिस खाली कर दिया। मेन चीज उनका यही था कि मैं हर तरफ कार्रवाई कर रहा था बाड़ी में, जहाँ 5-5 साल से कोई गया नहीं था, कस्टम उतारने के लिए मैं गया था और ईमानदारी से काम कर रही थी। मेरा नाम हर्षादी पति है, मैं हर्षादी पति सहायक अभियंता हूँ सर, जयपुर डिस्कॉम में फिलहाल बाड़ी उपखंड में कार्यरत हूँ। थैंक यू सो मच। मैं 27 साल का हूँ। अपने को संघर्ष है तो सेना पड़ेगा और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी आपके लिए। सारी योजना हमें एक होकर के रुकना प्लीज, इससे अकेले मुझको उड़ना नहीं होगा। ये कोशिश करेंगे सर, हर जो आदमी अपने आप के कानून से ऊपर समझता है, कोशिश करेंगे। आप इनके लिए डेली लगा रहे हैं, वो सोचता है कि आई कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से हर्षाधिपति यानी यह कहते नजर आ रहा है कि मलिंगा ने उनके मुंह पर पैर रखा। यही नहीं, उस मलिंगा ने उनको यानी यह भंगी है और इसको काफी चर्बी चढ़ी हुई है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। साथ ही आपको बता दें कि इस पीड़ितों के परिवार वाले यह भी कह रहे हैं कि क्या पुलिस प्रशासन या सरकार चुप्पी साधे क्यों बैठा है, क्या कोई आसमान से फरमान जारी होगा जिसके बाद में यह फैसला लेंगे और फिर उसके बाद में इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। बात सही है क्योंकि जो इंसान एक विधायक की पोस्ट पर तैनात है और उसके ऐसे अपशब्द हो तो शायद ही सरकार को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। लेकिन इस बयान से सीधे साफ तौर पर यह साबित कर सकते हैं कि किस तरीके से विधायकों के मन में सरकार के प्रति और लोगों की दैनिक जाति सूचक शब्दों को लेकर किस तरीके की सोच बनी है। विधायक हो या एमएलए हो या कोई भी हो, उनकी जो सोच अगर इस तरीके की होती है तो वो क्या अपने देश का विकास करेंगे। तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि इस समय पुलिस प्रशासन कैसे चुप्पी साध कर बैठा हुआ है और अभी तक यानी गिरिराज सिंह मलिंगा जो विधायक है बाड़ी का, वो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।